इसका बेस्ट तरीका क्या है ये टाइम रिड्यूस करने का, 1.5-2 घंटे से 1 घंटे का तरीका क्या है, ये कैसे होगा, बिगिनर स्टेज से हम एडवांस स्टेज में कैसे जाएंगे? तो उसका तरीका ये है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो यूपीएससी, जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एक सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने जहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके सामने आप दीवार पे चिपका दीजिए उसे। अब जो उसका सिलेबस है, आपको सिलेबस बाय हार्ट रटा होना चाहिए, आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए वो। अगर सपोज याद नहीं है तो एटलीस्ट वो आपके सामने रहे, सामने रहेगा तो क्या रहेगा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक, ये जो सिलेबस में ये टॉपिक है, ये मैं न्यूज़पेपर में है या नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सिलेबस जो है या तो उसको याद कर लीजिए, और अगर आपने याद करने के बाद भी वो याद नहीं हो रहा तो याद करने के बाद आप उसको आप एक दीवार पे उसको चिपका दीजिए, जो आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे उसको रखिए, आप हाईलाइट कर दीजिए जो उसका सिलेबस है, और कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर में वो सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं वो आप न्यूज़पेपर में ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आप इनिशियली कैसे कर सकते हैं, आपने न्यूज़पेपर उठाया, आपने सिलेबस देखा, आपने उस आर्टिकल को टिक कर दिया कि ये मेरे को पढ़ना है या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखते गए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, वो आप किससे कंपेयर करेंगे, सिलेबस से। तो ये ग्रेजुअली होगा, ये डे वन से नहीं होगा, ये थोड़ा ग्रेजुअली होगा। आप इनिशियली पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, आपको लगेगा 1.5-2 घंटा, कोई नहीं, आप 1-1.5 महीना लगाइए 1.5-2 घंटा और न्यूज़पेपर पढ़ने में, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो वो आपका तरीका क्या है, आप सिलेबस से उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको न्यूज़पेपर में से आर्टिकल्स छाटने हैं, न्यूज़ छाटनी है और उनको पढ़ना है, और उसमें भी आपको ये देखना है कि कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल चीज़ ना हो, अगर कुछ ज़्यादा ही नंबर्स का गेम की बात कर रहा है तो वो उसको आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप जो अपना नॉलेज बेस है वो मतलब जो न्यूज़ है वो आपको समझ आनी चाहिए, आप समझने पर ज़्यादा फोकस करें इनिशियली, ना कि उस न्यूज़ को रटने में। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल सिलेक्ट करने हैं, अपनी न्यूज़ सिलेक्ट करनी है और फिर उसको पढ़ना है, और कोशिश कीजिए कि आप फैक्चुअल डिटेल में ना जाएं ज़्यादा, आप फोकस करें अपनी समझ बढ़ाने में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, कोई भी टॉपिक के ऊपर उसका लार्जर पर्सपेक्टिव देखें, आपको वो इशू समझ में आना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि मेंस में आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, और जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है तो इतना डिटेल्ड में वो फैक्चुअल चीज़ नहीं पूछता कोई भी यूपीएससी, वो जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि सिलेबस से वो पहले आप न्यूज़पेपर आपने खोला, सिलेबस देखा, आपको सिलेबस याद हो जाएगा कुछ टाइम में अपने आप ही, 10-12 दिन 1 महीने में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप न्यूज़ छाट लीजिए, आप न्यूज़ सेलेक्ट कीजिए कि ये वाली इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हे गाइस, मैं 28 सितंबर को रात को 8:30 बजे अन अकेडमी के माध्यम पर एक घंटे का लाइव सेशन लूँगा, और इस सेशन में मैं बताऊँगा कि यूपीएससी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी हेल्प करेंगे यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो क्लियर करने में, और उसके अलावा मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव रहेगा, कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे आपसे। आपको लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देख सकते हैं, उस लिंक पर जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, और 28 सितंबर को 8:30 बजे मेरा लाइव सेशन अटेंड करना है। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप सभी लोगों को पहुँचाइए जिनको एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है और कोई गाइडेंस एक्चुअल में नहीं है उनके पास। तो 28 सितंबर को अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं 1 घंटे का फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन लूँगा। थैंक यू। ऐसे आप कर लीजिए। फिर कुछ न्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए, तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में है, और क्या चीज़ पे नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है, जैसे कोई एक पार्टी है इलेक्शन मोड में आ गई है और वहाँ पे रैली कर रही है, या उस नेता ने उस नेता के बारे में कुछ बोल दिया, उस ये वाली जो न्यूज़ है वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली स्पोर्ट्स न्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कंपनी ने इतने शेयर अप हो गए, ये कंपनी के इतने शेयर डाउन हो गए, इस कंपनी ने वहाँ इन्वेस्ट किया, इस कंपनी के लिए एंजल इन्वेस्टर ने इतना इन्वेस्ट किया, वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट की न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं की भी म्यूज़िक इंडस्ट्री ये वो जो भी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। हमारा मेन जो गोल है वो है UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो वो क्लियर कैसे होगा, जो सिलेबस हमने जो चिपका रखा है दीवार पे उससे हमें टैली करना है न्यूज़पेपर को और न्यूज़ उसमें सिलेक्ट करनी है कि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर चीज़ें करनी है। तो हमें ये देखना है कि उसमें कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ ना हो, कोई पॉलिटिकल किसी का ओपिनियन ना हो, कोई एक पार्टी किसी और पार्टी के बारे में कुछ कह रही है, वो सब हमें अवॉइड करना है अपने UPSC प्रिपरेशन में। हमें कोई कंपनीज के ऊपर जो उसका बिजनेस स्ट्रेटजी है इसके ऊपर हमें नहीं फोकस करना है ज़्यादा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिमिलरली जैसे कोई लोकल न्यूज़ हो गई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कोई क्राइम हो गया, उस चीज़ों को अवॉइड करना है, वो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब लोग बच्चे पूछेंगे कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जब आप 1.5-2 घंटे इनिशियली आप दे रहे हो तो जब आप नोट्स बनाने लग जाओगे तो आपको फिर वो 3-4 घंटे तक लग सकते हैं। तो आप अवॉइड कीजिए नोट्स बनाना, आप फोकस कीजिए समझने पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज बेस जो है वो इम्प्रूव कीजिए, वो उसको थोड़ा वास्ट करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे होगा, वो अंडरस्टैंडिंग से होगा, आपको आपकी समझ बढ़नी चाहिए। आप नोट्स बनाने में आपका इनिशियली आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको वैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता इनिशियली। जैसे मैंने 2015 में पढ़ना शुरू किया था न्यूज़पेपर, तो इनिशियली मैंने नोट्स बनाना शुरू किया था क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि नोट्स बना लो। बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि नोट्स बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और 1.5-2 घंटे में वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ने में लग रहे हैं, उसके बाद हम नोट्स भी बना रहे हैं उसके आधा घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा तो हमारा सिर्फ न्यूज़पेपर के चक्कर में पूरा का दिन, पूरे दिन में से 3 घंटे तो हमारा न्यूज़पेपर में लग जा रहा है। तो वो उसकी मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इनिशियली कोशिश कीजिए नोट्स ना बनाया जाए, आपको धीरे धीरे जैसे ये न्यूज़पेपर क्या है बेसिकली, इंक्रीमेंटल वैल्यू एडिशन आपको देता है बेसिकली, कि एक न्यूज़ आ रही है फिर कल 2 दिन बाद वो दोबारा न्यूज़ आएगी, तो धीरे धीरे करके वो आपका जो नॉलेज बेस है वो इम्प्रूव करता है। तो नोट्स बनाने की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर एग्जांपल कोई नोट करने हैं, अगर आपको लगता है कि ये केस स्टडीज़ में काम आ सकता है वो आप कर सकते हैं, कोई अच्छे एग्जांपल्स हो वो आप कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर केस स्टडी या कहीं आपको एग्जांपल कोट करने हैं, लेकिन ओवरऑल नोट्स बनाने की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मंथली मैगज़ीन हमें कवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि मंथली मैगज़ीन को भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ न्यूज़ जो है आपसे छूट गई हो, ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर में आई हो या नहीं भी आई हो, क्या पता, तो आपसे छूट गई हो या न्यूज़पेपर में नहीं आई हो, वो मंथली मैगज़ीन में आपको दिख जाए। तो आप मंथली मैगज़ीन बेसिकली क्या है, आपका एक रिविज़न का एक तरीका है। अगर आपने महीने का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, समझा है उस न्यूज़पेपर को, तो आपके लिए मंथली मैगज़ीन में वो सारी न्यूज़ ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी। हो सकता है कि कुछ एडिशनल न्यूज़ भी उसमें दिख जाए क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर में नहीं थी या हमसे वो मिस हो गई, स्किप हो गई, तो एक तरीके से वो रिविज़न का एक तरीका है। तो आप दोनों करें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ आप न्यूज़पेपर करें और मंथली मैगज़ीन ना करें, या सिर्फ आप मंथली मैगज़ीन करें और न्यूज़पेपर ना करें, क्योंकि अगर सिर्फ आप मंथली मैगज़ीन करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि आप महीने के एंड में उसको रट लोगे, उसको क्रैम कर लोगे, बट वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो उससे इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग तभी इम्प्रूव होगी जब आप डे टू डे, मतलब एक होता है ना बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात होती है जो, तो वो डे टू डे जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डे टू डे डेली, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नॉलेज बेस है वो इम्प्रूव होगा, वो बढ़ेगा और वो आपके पर्सनैलिटी में दिखेगा, आपके जवाब में दिखेगा, आपके आंसर्स में दिखेगा। तो वो रटने से नहीं आएगा, वो मंथली मैगज़ीन रटने से नहीं आएगा। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए साइड में, आप मंथ के एंड में मंथली मैगज़ीन को भी पढ़ लीजिए, आपका एक रिवीजन का एक सोर्स हो जाएगा वो, ठीक है। अब
अब बात आती है कि हम जो करंट अफेयर्स हैं इसको याद कैसे रखें, तो मेरा ये पर्सनल मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैंने खुद अपने लिए ऐसा ऑब्जर्व किया है, शायद आप लोगों को हेल्प करेगा, कि जब मैंने तैयारी करी थी 2015 में, तब मेरे पास तो ऐसा कोई था नहीं सोर्स, ना मेरी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट है, ना मेरा कोई दोस्त ब्यूरोक्रेट था, मेरा तो कोई दोस्त भी एग्ज़ाम नहीं दे रहा था, इनफैक्ट सही बताऊँ तो मुझे तो पता भी नहीं था कि यूपीएससी कोई और भी एग्ज़ाम दे रहा नहीं दे रहा। तो मैंने, मुझे बाद में, बहुत बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मेरे साथ कोई एक मेंटर होता, कोई एक पार्टनर होता, तो शायद मेरी प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो न्यूज़पेपर में आप ये कर सकते हैं, जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा, तो आपके घर में कोई एल्डर हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, भाई हैं, बहन हैं, बड़े छोटे, जो न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हों, दादाजी हों, दादाजी दादी हों, जो न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हों, नाना नानी हों, तो उनके साथ वो न्यूज़ डिस्कस कीजिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही अलग लेवल पे, बहुत वो मैच्योर हो चुके हैं लाइफ में, और हमारी बहुत छोटी अभी, बहुत हम नीचे लेवल पे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो हम अगर उनके साथ डिस्कस करेंगे तो हमें एक ओवरऑल, हमें एक ओपिनियन मिलेगा हर चीज़ का, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। और डिस्कशन से क्या होता है ना कि आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आती है, रादर देन कि आप उसको क्रैम करें, रट्टा मारे, वो आपको एक दिन समझ आ जाएगी, रट्टा मारने में 2 दिन आ जाएगी, आपको 10 दिन तक रिटेन कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप उसको किसी के साथ डिस्कस करोगे तो माइंड में हमेशा रहेगा आपके। तो मेरा ये मानना है कि आप ये जो न्यूज़ है, अपने फैमिली में किसी का डिस्कस कर लीजिए, अपने रिलेशन में किसी का डिस्कस कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ, कोई जो आपके साथ में तैयारी कर रहा है उनके साथ डिस्कस कर लीजिए, बट डिस्कशन होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में मेजॉरिटी चीज़ें सारी बता दी हैं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर से पढ़ना है या मंथली मैगजीन से पढ़ना है, कब से पढ़ना है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, सप्लीमेंट्री जो हमारा ये सोर्स है मंथली मैगजीन, उसका क्या रोल है, क्या वो एक रिप्लेसमेंट है, क्या वो न्यूज़पेपर अगर हम ना पढ़ें और सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ें तो सफिशिएंट है, तो इन क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर सकते हैं अपने, और मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे, जैसे मुझे टाइम मिलता है, कि मैं और ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूँ, आप लोगों की हेल्प करते रहूँ।